प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए सभी को इस कार्यक्रम की बधाई दी और कहा कि श्री सत्य साई का आशीर्वाद और प्रेरणा आज हमारे साथ है और खुशी व्यक्त की कि आज उनके मिशन का विस्तार हो रहा है। मैं श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों और सत्य साई बाबा के सभी को भक्तों को आज के लिए इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। इस पूरे आयोजन में श्री सत्य साई की प्रेरणा उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे खुशी है कि इस पवित्र अवसर पर श्री सत्य साई बाबा के मिशन का विस्तार हो रहा है। श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, कोई भी विचार सबसे प्रभावी तब होता है जब वो विचार आगे बढ़े, कर्म के स्वरूप में आगे बढ़े। आज कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के साथ ही यहाँ श्री सत्य साई ग्लोबल काउंसिल की लीडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के कई देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर उपस्थित है। खासकर आपने इस आयोजन के लिए जो थीम चुनी है, प्रैक्टिस एंड इंस्पायर, ये थीम प्रभावी भी है और प्रासंगिक भी है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः, अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं समाज वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए हमारा आचरण ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो। सत्य साई बाबा का जीवन अपने आप में इसका जीवंत उदाहरण है। आज भारत भी कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है। आजादी के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। हमारे इन कर्तव्यों में आध्यात्मिक मूल्यों का मार्गदर्शन भी है और भविष्य के संकल्प भी हैं। इसमें विकास भी है और विरासत भी है। आज एक और देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है तो साथ ही भारत इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट आंध्र के करीब 40 लाख स्टूडेंट्स को श्री अन्न रागी जवा से बना भोजन दे रहा है। ये भी एक बहुत सराहनीय पहल है। इस तरह के इनिशिएटिव से दूसरे राज्यों को भी जोड़ा जाए तो देश को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। श्री अन्न में स्वास्थ्य भी है और संभावनाएं भी है। हमारे ऐसे सभी प्रयास वैश्विक स्तर पर भारत के सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, भारत की पहचान को मजबूती देंगे। साथियों, सत्य साई का आशीर्वाद हम सभी के साथ है। इसी शक्ति से हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और पूरे विश्व की सेवा के संकल्प को पूरा करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साई राम।